हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद फिटनेस में। ठीक है, तो अब कोई ये ना कमेंट करने लगना कि भैया वाई टी शर्ट में बार बार वीडियो, एक दिन में सारी वीडियो शूट की हैं, क्योंकि टाइम यार थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सांस फूलने का, सबसे बड़ा टॉपिक जो है। एक मैंने वीडियो प्रीवियस बनाया था, लेकिन उसमें लोगों को नहीं समझ में आया, तो फिर से क्वेश्चन आया मेरे पास, सांस फूलने का क्या करें, कैसे सांस फूलती है तो उसको कैसे ठीक करें। अब मैं आपको एकदम बेस्ट चीज़ बताऊँगा जिससे आपकी सांस नहीं फूलेगी और आप आराम से दौड़ोगे। देखो, तीन चीज़ों पर निर्भर करता है सांस फूलना। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, आपका अगर स्टेमिना कमज़ोर है, आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, तो आपकी सांस फूलेगी। ये स्टेमिना कैसे आएगा? लगातार रनिंग करने से आएगा। लगातार आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करो, मैराथन करो, इससे आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा। ठीक है, जितना दौड़ के हचक के पेल के दौड़ो, देखो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पूरा दौड़ो, ताकि आपको स्पीड मैटर नहीं करती है। स्पीड आपके 10 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ स्टेमिना बनाना है, कितनी दूरी कवर सकते हो, कितनी देर तक आप दौड़ सकते हो, आपको सिर्फ ये कवर करना है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा अगर बताएं तो डाइट, पहला तो स्टेमिना हो गया हमारी रनिंग से आएगा, दूसरा हमारा डाइट से। और डाइट पर क्या लेना, देखो सबसे प्रॉपर एक है चना। जितना ज़्यादा खाओगे चना, उतना ही ज़्यादा आपका स्टेमिना बढ़ेगा, इतना ही ज़्यादा आपकी जो सांस फूलती है उसमें कंट्रोल होगा। ठीक है, तो चना खाओ, काला चना जो आता है, आप उसको अंकुरित कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई मैटर नहीं, आप चना खाओ। ठीक है, और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और बोलूँगा, लोगों को पसंद आए ना आए वो उनके ऊपर है, आप जब रात को चने भिगोते हो ना, तो उसको पहले धुल दो अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से धुल के। ठीक है, अच्छी तरीके से 3-4 वॉश करने के बाद फिर उसको फूलने के लिए रखो पानी के अंदर। ठीक है, देखो यार, देसी आदमी देसी चीज़ बताएंगे, पसंद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो जय श्री राम। ठीक है, तो चना जो है, ठीक है, उसको पानी में भिगो के रखो, लेकिन उसके पहले अच्छी तरीके से धुल लो, एकदम अच्छी तरह, एक भी कुछ भी मिट्टी इट्टी कुछ नहीं रहना चाहिए, पानी के अंदर भिगो दो, उसको रात भर के लिए रख दो। भाई साहब, घोड़ा ना बना दिया तो कहना रेस के मामले में, बाकी की चीज़ों में पता नहीं, दौड़ में तो घोड़ा बना ही दूंगा। चना आपने रख दिया भिगोने के लिए, सुबह उठ के करना क्या है, सुबह उठ के वही जो चने हैं ना, उसका पानी जो होता है, 1 गिलास लगभग पानी निकल आएगा उससे, वो 1 गिलास पानी पियो आप सुबह डेली चने का पानी 1 गिलास सुबह, लेकिन उसके पहले चने धुल दो, 1 गिलास पानी डेली पियो भाई साहब, वो असर करेगा ना आपके स्टेमिना पे। कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा यार, क्योंकि ये चीज़ें बताने मतलब लोगों को लगता है कि बताओ क्या बता रहा है कि चने का पानी पियो ये वो, हम देसी आदमी यार देसी चीज़ बताएंगे। ठीक है, अगर हाँ कोई है मॉडर्न तो आए मेरे पास, हम जिम के बारे में भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक भाई साहब सब कुछ अपने आपको जानकार सबका नहीं बोलता हूँ, इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि सबको सबका आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप चने का पानी सुबह पियो, उसके बाद चना आप जब भी आप डाइट में लेते हो जो मैंने बताया वो लो, आपने कोई दिक्कत नहीं, 1 गिलास चने का पानी भाई साहब बहुत आपको मतलब इतना इफेक्ट करेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हुआ आपके साथ, इतना बेहतरीन लगेगा आपको, उससे आपकी सांस कतई नहीं फूलेगी। अभी हमारी रेस के 10-12 दिन है, 10-12 दिन सिर्फ आप चना खा के देखो। और जो एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि इतने महंगी डाइट करके इतना महंगी, भाई चना कोई महंगा नहीं आता, हर घर में चना मिलता है, काला चना हर घर में मिल जाता है यार, तो हम वो चीज़ नहीं बताते जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो। क्योंकि मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि भाई साहब किसी ने पूछा था जूते की वजह से, तो हमने कहा था 235 रुपये का जूता आता है गोल्ड स्टार का, उसको पहन के 90% लोगों ने रेस निकाली है, दाल चावल खा के हिमा दास ने रेस निकाली है। ठीक है, तो वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करती भाई, आपकी विल पावर इफेक्ट करती कि आप कितना अंदर से मजबूत हो, अपने आप को कितना फोर्स करना चाहते हो, कि आपको कितना आप डेस्परेट हो जॉब के लिए, कि कितनी आपको ये जॉब चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक से थोड़ा सा हट गया था क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो चने का पानी हो गया, चना हो गया। अब हमारा तीसरा एक एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी है। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज आप करो, ये थोड़ा सा हाफ बेंड होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको नॉर्मल लग रही होगी। ठीक है, 30 सेकंड करो, 30 सेकंड, शरीर के परखच्चे ना ढीले हो जाए तो कहना, सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट इसको बढ़ाते रहो और डेली ये रूटीन में डालो ना, ये एकदम मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ भाई लोग, एक बार मेरे पास भरोसा करके रखो, ये चीज़ें करके देखो, फिजिकल ना निकल जाए तो कहना, फिजिकल नहीं तुम्हें किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, फिट होना ऐसे ही, स्टेमिना बढ़ाना है, सिर्फ ये एक्सरसाइज करो। और छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो करो, 100% आपका काम हो जाएगा, 100% आपकी जो स्टेमिना पावर है और जो आपका सांस फूलने की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, याद रखना ये चीज़। और 10 दिन है हमारे पास, चने खाना चालू कर दो, चने का पानी सुबह पीना चालू कर दो, भाई साहब 10 दिन में प्रॉपर बन जाओगे। हाँ, अब यार भाई कोई अगर एडवांस है तो उनके लिए सॉरी, थोड़ा सा मॉडर्न हो, चने को थोड़ा अवॉइड करते हो, क्योंकि देखो यार मॉडर्न वाली बात नहीं, सॉरी उसके लिए जो बोला मैंने एडवांस,
चना हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको चना खाने के बाद लूज मोशन हो रहे हैं, ठीक है, तो चना अवॉइड करो, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि देखो दूध में जो लैक्टोज होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता लैक्टोज से, तो कुछ लोगों से दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती उसको अवॉइड करो और वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिनके लिए डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो ये था वीडियो सांस फूलने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना किस चीज़ में दिक्कत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।